प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन। मैं तो अधराम सबके बिन। वेलकम टू सत्या भैरवी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सत्या। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले एक नए पिक्चर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है, मलंग। दरअसल इस पिक्चर का नाम मलंग क्यों रखा है मेरे को अभी समझ में नहीं आया। दरअसल इस पिक्चर के डायरेक्टर जो है मोहित सूरी, काफी अच्छे डायरेक्टर और काफी अच्छे पिक्चर भी डायरेक्ट कर चुके हैं, पर इस पिक्चर मेरे को समझ में नहीं आया कि ऐसा पिक्चर क्यों निकाला इन्होंने। दरअसल पिक्चर का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि बस किसी की जान लेना, जान लेना, जान लेना। किसी को जान लेना अच्छा लगता है तो किसी को अपनी बल्ले की आंग में जान लेते हैं, बस इसी तरह चलता है। इस पिक्चर के में हीरो के रोल कर रहे हैं आदित्य रॉय कपूर और हीरोइन के रोल कर रही है दिशा पटानी और सपोर्टिंग एक्ट्रेस अनिल कपूर। जी हाँ दोस्तों, इस पिक्चर का आपको देखने को मिलेगा कि आदित्य रॉय कपूर जिस पिक्चर में हीरो के रोल कर रहे हैं उनका एक फ्लैशबैक है और एक जेल कैदी की तरह जेल में होते हैं और जितने भी कैदी होते हैं एक दूसरे को पीटते रहते हैं, इस तरह चलता है। और दरअसल उनकी फ्लैशबैक कहानी इस तरह की, पूरी पिक्चर की शूटिंग पूरा गोवा में लिया गया है और आधी पिक्चर तो पूरा अंधेरे में लिया गया है। पिक्चर की शूटिंग इस तरह गोवा में लिया गया है, इसमें जो दिशा पटानी से उनसे प्यार हो जाता है, फिर इस तरह चलता है उनकी कहानी। और आधे पिक्चर है वो थोड़ा सस्पेंस की तरह जाता है और हाफ आधे पिक्चर में ब्रेक के बाद जो पिक्चर आपको देखने को मिलता है उस पिक्चर में जो होता है कि बस एक दूसरे से बदला लेना, बदला लेना। फिर आखिरी के क्लाइमेक्स में पता चलता है कि सब एक साथ मिलते हैं, क्या क्लाइमेक्स है, इस तरह चलता है। ठीक है, पिक्चर एक बार देख सकते हैं पर आप टाइम पास के लिए देख सकते हैं, पर स्टोरी नाम की चीज कुछ है नहीं, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, बस एक दूसरे की जान लेना। कोई बदले की आंख से जान लेता है, किसी को जान लेना अच्छा लगता है। और अनिल कपूर उन्हें कानून के सामने गुनेगार होते हैं, बस उसके लिए लोग उसकी जान लेते हैं, बस इस तरह चलता रहता है पिक्चर। कुछ खास है नहीं, मैं तो पिक्चर तो कुछ दो स्टार दूंगा या तो फिर 2.5 स्टार दूंगा। बाकी पिक्चर तो बस आपको बस टाइम पास के लिए देख सकते हैं, बस अगर आपको समय बिताना है, सैटरडे संडे बिताना है तो आप जाके थिएटर में जाके पिक्चर देख सकते हैं, पर पिक्चर तो देखो देखने लायक तो है नहीं। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरा ये कमेंट अच्छा लगा, मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो मेरे जरूर मेरे चैनल सत्या भैरव चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि रूबरू मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको रूबरू खबर होता रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।